गाना कॉपी कई तरीके का होता है, लाइक गाना रीमेक करना, गाने को परमिशन लेके कॉपी करना, तीसरा है यूं ही मुंह उठा के कॉपी कर लेना, इसको आप बड़े प्यार से चोरी भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, कल खेसारी लाल यादव का एक गाना आया, जैसे ही गाना सुबह को रिलीज हुआ बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लगे कि ये देखो ये जो गाना है वो शिल्पी राज के किसी गाने का कॉपी है। तो मैंने देखा, दोनों का गाना देखा, ठीक है ना, बात करेंगे आज इसी वीडियो में कि क्या ये गाना कॉपी है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि कॉपी होता क्या है, ठीक है ना। कॉपी के कई प्रकार होते हैं, आज सारे प्रकार आपको मैं समझा दूंगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्या ये गाना कॉपी है या नहीं है। तो कॉपी की सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है गाना रीमेक करना, ठीक है। गाना रीमेक कैसे किया जाता है? लाइक जिस गाने को हमें रीमेक करना है, सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि उस गाने का ओनर कौन है, उस गाने का मालिक कौन है, उस गाने का कॉपीराइट किसके पास है, ठीक है। उसके बाद हम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम आपके गाने को रीमेक करना चाहते हैं। रीमेक का मतलब होता है कि गाना वही रहेगा, लाइन वही रहेंगी, बस हमें कुछ अपना वैल्यू ऐड करना होता है उसमें। लाइक गाने को फास्ट कर देंगे, या गाने में म्यूजिक चेंज कर देंगे, या गाने का धुन चेंज कर देंगे, या उसको डीजे में बना देंगे, ठीक है ना। तो जो गाने का मालिक होता है उससे हम परमिशन लेते हैं। अब वो परमिशन कैसे देगा? पैसे ले करके देगा, या फिर सिर्फ क्रेडिट लेकर मान जाएगा, या फिर वो ये भी कह सकता है कि आप अपने गाने में हमारी कंपनी को प्रमोट कर देना। अब लाइक उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे वैसे मान जाए। जब वो मान जाता है तब आप उसका गाना ले करके जब आप रीमेक करते हैं, तो जब रीमेक करते हैं तो उस गाने को कोई दूसरा सिंगर गाता है, ओरिजिनल गाना दूसरा सिंगर गाया है, और जो रीमेक हुआ गाना है उसको दूसरा सिंगर गाया है। तो यहाँ पर आप क्या होता है कि आप सिंगर का नाम चेंज कर सकते हैं, बट लेखक का नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ओरिजिनल गाना है उसको किसी और सिंगर ने गाया है, और ये जो रीमेक गाना है इसको कोई और सिंगर गा रहा है, तो दोनों अलग अलग सिंगर हैं। तो यहाँ पर जिसने रीमेक किया है अपना नाम डाल सकता है, बट राइटर का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही गाना दूसरा राइटर तो नहीं लिख सकता है। तो इस तरह से इसको भी आप कॉपी ही कहेंगे, लेकिन ये कॉपी करने का एक लीगल तरीका है, क्योंकि भाई जो सामान का मालिक है उससे हम पूछ करके उसका सामान ले रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये लीगल है, ऐसा आप कर सकते हैं। बट आएगा तो ये भी कॉपी की ही कैटेगरी में। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कॉपी है वो है किसी का भी गाना बिना उसकी मर्जी के मुंह उठा करके कॉपी कर लेना। इसे 100% चोरी कहेंगे। जो आदमी इस गाने का मालिक है वो आपके ऊपर केस कर सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, या फिर आप जेल भी जा सकते हैं। अब जो अगला टाइप ऑफ कॉपी है वो है कोई एक लाइन कॉपी कर लेना। जैसे कि कोई गाना है उसमें से कोई एक लाइन उठा के मैं अपने गाने में गा दिया, बाकी हमारे गाने की सारी लाइनें अलग हैं, सिर्फ एक लाइन मैंने वहाँ से उठा के गा दिया, जैसे कि या तो मुखड़ा मैंने उठा लिया या कोई अंतरा मैंने उठा लिया, उठा करके अपने गाने में गा दिया, ये भी 100% कॉपी में आता है। ये करना भी अपराध है, सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है, आपको जेल हो सकती है, ये भी चोरी की कैटेगरी में आता है। अगला जो टाइप ऑफ कॉपी है वो है किसी के भी गाने को तोड़ मड़ोड़ के गा देना। लाइक उसके गाने का जो एक लाइन है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट निकाल देना, जैसे कि ये गाना है इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? बंगलिनिया। तो इसके जो मेन लाइन है इसमें से बंगलिनिया शब्द निकाल करके गुजरतनिया ऐड कर देना, ठीक है, ये भी 100% कॉपी में आता है। इस पर भी सामने वाला आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, ये भी अपराध है। बट अगला जो टाइप ऑफ कॉपी है इसमें ही सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, जैसे कि कोई वर्ड कॉपी कर लेना। लाइक जैसे कि मान लीजिए ये जो गाना है इसमें एक वर्ड है बंगलिनिया, ठीक है, पूरा गाना मेरा है, सारी लाइन मेरी है, इस मेरे गाने में कहीं पर बंगलिनिया शब्द आ रहा है, ठीक है ना।
ये 100% कॉपी नहीं होता है, ठीक है। बंगलिनिया को बंगलिनिया ही कहा जाता है, ठीक है। बंगलिनिया को बंगलिनिया कहना अगर कॉपी है तो सबसे पहला कॉपीराइट उसका होगा जिसने दुनिया में सबसे पहले बंगालिन महिला को बंगलिनिया कहा होगा, ठीक है। तो इस पर तो आपका कॉपीराइट हुआ नहीं, तो ये कॉपी में काउंट नहीं होता है, इसे आप कॉपी नहीं कहेंगे। किसी भी वर्ड पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे गाने हैं जिसमें दिल शब्द का यूज हुआ है, ठीक है, हज़ारों गाने ऐसे हैं, तो क्या जिसने पहले दिल गाया है उसका कॉपीराइट है? नहीं है। हाथ को हाथ कहेंगे, बंगलिनिया को बंगलिनिया कहेंगे, गुजरतनिया को गुजरतनिया कहेंगे, बिहारीनिया को बिहारीनिया कहेंगे और भैयाइन को भैयानिया कहेंगे, ठीक है ना। तो जो है उसको वही कहेंगे। वो शब्द कोई भी अपने गाने में गा सकता है, किसी वर्ड पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कॉपी है वो है किसी भी गाने का ट्रैक कॉपी करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने गाना लिखा, ठीक है, सारा गाना का पूरा लाइन मेरा है, मैंने लिखा है, मैं इसका मालिक हूँ, बट इसी गाने को अगर मैं किसी और के म्यूजिक के ट्रैक पर अगर मैं गाता हूँ तो ये भी 100% कॉपी है, क्योंकि जिस भी म्यूजिक डायरेक्टर ने उस ट्रैक को बनाया है उस पर उसका कॉपीराइट होता है, वो चाहे तो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है और आपका गाना डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो किसी का म्यूजिक कॉपी करना भी कॉपी की कैटेगरी में आता है, किसी का ट्रैक कॉपी करना भी कॉपी की कैटेगरी में आता है, और ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। हाँ, अगर किसी भी टाइप की कॉपी में अगर उस गाने के मालिक की सहमति है तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो चीज़ भी हम कॉपी कर रहे हैं उसमें उस गाने की मालिक जो है उसकी सहमति है, या पैसे लेकर वो सहमति दे रहा है, या चाहे जैसे भी, अगर उसकी सहमति से हम कॉपी कर रहे हैं तो ये अपराध नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कॉपी की कैटेगरी में आएगा। उम्मीद है ये जो कॉपी का फंडा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका गाना किसके गाने से कॉपी है या कॉपी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना, समझ में नहीं आया तो फिर से समझना, फिर भी समझ में ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।